श्रीकाल, आदाब, नमस्ते। मैं आपकी सुखराज आज आपके लिए लेके आई हूँ, आप सब बिगनर फ्रेंड्स के लिए जो पेंटिंग करना चाहते हैं, पेंटिंग सीखना चाहते हैं सूट्स के ऊपर और नॉन फैब्रिक स्टफ के ऊपर, वन स्टॉक पेंटिंग में आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पत्तियाँ कैसे बनाते हैं, अलग अलग टाइप्स की पत्तियाँ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक प्लेन पेपर लूँगी, कोई भी आप ड्राइंग शीट ले लेना। तो उसके बाद क्या है, हमें क्या क्या चाहिए ये बताती हूँ आपको। आपने एक दो कलर लेने हैं, लाइट एंड डार्क। तो यहाँ पे आजकल ग्रीन्स, जैसे ये मेरे पास सैफ ग्रीन है, सैफ ग्रीन प्लस ब्लैक प्लस वाइट और लेमन येलो, कोई भी शेड आप लेके, कुछ दो चार कलर लेके आपको उनके साथ वन स्टॉक पेंटिंग बना सकते हो, वन स्टॉक लीफ पत्तियां बना सकते हो। तो कितने टाइप्स की पत्तियां को हम लोग ऐसे जो है वन स्टॉक स्टाइल में बना सकते हैं, तो आज मैं आप सबको सिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे, जैसे मैंने बताया कि एक कोई भी शीट ले लीजिए, ड्राइंग शीट ले लीजिए, ठीक है। तो इसका जो बेस है थोड़ा लाइट होना चाहिए। तो अब मैं लूँगी यहाँ पे मेरा, क्योंकि ये बेस है वाइट है, तो यहाँ पे मैंने इसको हल्का हल्का सा येलो शेड दे दिया है, ठीक है। देन मैं आज अपना फेवरेट कलर ब्लैक एंड वाइट से आपको पत्तियाँ बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है ये ब्लैक कलर एंड वाइट कलर, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मुझे चाहिए यहाँ पे फ्लैट ब्रश चाहिए। तो फ्लैट ब्रश मोस्टली आप लोग पूछते कितने नंबर का ब्रश है, तो आपको जैसा कन्वीनियंट लगे, जैसा आपको इजी लगे चलाना। मेरे पास बड़े ब्रश भी हैं जो फ्लैट ब्रश हैं, ये रहे, मेरे पास छोटे भी हैं, मीडियम साइज के भी हैं। तो यहाँ पे आज मैं ले रही हूँ 11 नंबर ब्रश, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं अच्छे से, ये ब्रश मैंने लिया। तो अब स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड पे ये मैंने वाइट कलर लिया, एक साइड पे ब्लैक, तो ऐसे हमने इसको मर्ज कर लिया। तो सबसे पहले करेंगे इजी स्टाइल, एस स्टाइल। अपने ऐसे ऊपर से ऐसे लेके आनी है, ऐसे नीचे से हल्के से ऐसे दबा देना। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप बनेगा ऑपोजिट एस, ऐसे। बिल्कुल इसके ऑपोजिट पहले हमने जिस साइड से किया, सेकंड ऑपोजिट साइड। तो ये हो गई हमारी दो टाइप की पत्तियाँ। अब हम बनाएंगे इसमें सेकंड लेयर। ऐसे इसको थोड़ा बड़ा बनाना हो तो डबल टाइप करना है इसको, दो बार लगाना है इसको, जो ब्रश है इसको दो बार लगाएंगे। तो ऐसे ये ड्राई ब्रश की पत्ती है। इसमें क्या है कि आपने प्रैक्टिस तो एस की ही करनी है, जो थोड़ी बड़ी वाला साइज की पत्ती बनाएंगे हम नीचे से ऊपर। ऐसे ही ड्राई स्ट्रोक बनाएंगे, ड्राई स्ट्रोक हल्का सा हम इसको ड्राई रखेंगे। ऐसे यहां से भी इधर से भी ड्राई। अगर किसी शर्ट के ऊपर बना रहे हैं, सूट के साथ कॉम्बिनेशन है, तो उसका ऐसे साइज छोटा रखा जाएगा। ऐसे ऑपोजिट साइड,
दोबारा फिर से आपको यहाँ पे बताती हूँ। पान स्टॉक के साथ पान का पत्ते जैसे, ये ट्रिपल लेयर बन गया वैसे ऊपर से मिक्स। ऐसे घुमाते हुए ऐसे हल्का से इसको कई बार हमें ऐसे बड़ी वाली पत्तियां की कॉम्बिनेशन के लिए जरूरत पड़ती है। ये हो गई लंबी वाली पत्तियां और ये हम लोग थोड़ा सा कर्व वाली। यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर्व देने के लिए अलग से ऐसे इसको हल्का सा फिर से तो लग रहा है जैसे जैसे मैंने ऐसे बताया था आपको ये छोटी वाली सेंटर में व्हाइट लेके आएंगे और साइड पे ब्लैक। वन स्टॉप योर टाइप है जैसे हमने एस बनाया था ना
तो ऐसे हम इसको सी बनाएंगे। और अब मैं आपको इसके बाद बताती हूँ कि आपने एस और सी के साथ अपना फ्लावर अच्छा सा फ्लावर कैसे बनाना। सबसे पहले मैंने सी बना लिया, वही पत्तियां हैं जो मैंने आपको बोला था ना कि आप ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर ऐसे चला के। तो यहाँ पे ये ऐसे जो हमने थोड़ा सा हल्का सा ऐसे मुड़ी हुई पत्ती बनाई थी, जितना चाहे साइज में बड़ा कर सकते हो छोटा कर सकते हो जो भी साइज आपको रिक्वायर हो। तो आज मैंने आपको बताया कि हमने वन स्टॉप पेंटिंग के लिए, फ्री हैंड पेंटिंग के लिए हम कैसे इजीली पेंटिंग बना सकते हैं, पत्तियां बना सकते हैं। जैसे ये पेंटिंग्स आप, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी ट्राई करोगे ड्राई स्टॉक के साथ एंड फ्री एंड डबल स्टॉक के साथ, एंड ऐसे फ्लावर बनाने की आपकी कोशिश कीजिए। तो वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।